हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं विनीत सिन्हा व्लॉग्स। आज तारीख है 28 अप्रैल और आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज पापा मम्मी का मैरिज एनिवर्सरी है। यस, सो इट इज़ देयर 41st मैरिज एनिवर्सरी। आई थिंक फ्रॉम 81 अगर काउंट करें तो 41st आता है। सो यस, आज दिन कुछ अच्छा रहने वाला है। ऑल्दो वीकडेज है तो दोनों का, मेरा और श्वेता दोनों का ऑफिस है तो हम लोगों ने छुट्टी नहीं लिया है। वी विल डू अ वर्क एंड देखते हैं आगे कैसे क्या प्लानिंग होता है। मेरी बहन और उसके पूरे परिवार को हम लोगों ने इन्वाइट किया, सो दे कमिंग इन द इवनिंग अराउंड 6-7 वो लोग आएंगे। और बाकी मामा मम्मी को भी बुलाए हैं, आई डोंट नो वो लोग आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, लेट्स सी। बाकी फिलहाल अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है, चाय पीना है। चाय सुबह का चाय अभी तक हुआ नहीं है तो अभी सुबह की चाय पियेंगे और उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे। तो नाश्ता में आज है हमारे पास इडली फ्राई। कल इडली बना था, बहुत सारा इडली रह गया था तो प्लानिंग ऐसा था कुछ कि हम लोग सुबह उसका इडली फ्राई खाएंगे। दिस इज हम लोग सबका फेवरेट ब्रेकफास्ट, मज़ा आ जाता है उसको सॉस के साथ खाने में। मम्मी पूरा एकदम तैयार हो गया, नया नया साड़ी पहन के, पापा पुराना ही कुर्ता पहने हैं, पापा भी पुराना नया कुर्ता पहने हैं। बढ़िया, चाहिए फिर मंदिर होके आइए। आप लोग नीचे जा रहे हैं ना? अरे तो नाश्ता वास्ता तो हो गया है मेरा, हम सबका नाश्ता वास्ता हो गया और अब हम जा रहे हैं बाहर कड़ी धूप में। अभी टाइम तो ज़्यादा हुआ नहीं, 11 ही बज रहे हैं तो अभी जा रहे हैं। कुछ कुछ सामान लाना है रात के डिनर के लिए और बाकी कुछ ऑर्डर भी करना है शाम के लिए, तो वो सब करते हैं। श्वेता नहीं जाएगी तो कुछ काम है तो हम जाते हैं, धूप का सामना करके आते हैं। भाई साहब धूप ऐसा ज़बरदस्त है कि बाइक से तो सवाल ही नहीं उठता निकलने का, क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है। ये देखो धूप, गाड़ी जिंदाबाद भाई। ऐसा धूप है ना बाहर, अभी आग चौंधी आ जाएगा एकदम। 11:30 बजे का धूप, ये हालत है आजकल तो। आजकल तो लग रहा है कि अतिक्रमण वाले हर जगह फैले हुए हैं, मतलब पूरा पूरे इंडिया में ही अतिक्रमण चल रहा है, सब जगह बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पे भी अभी देखे हम जितना भी साइड में शॉप वॉप है, मतलब जो रोड साइड में जो लोग एक्सटेंड किए हुए हैं वो लोग सबको उड़ा के लेके जा रहे थे। पूरे इंडिया का यही हाल है अभी लगता है। बेचारा नारियल वाला है वो भी लगा के बैठा हुआ था, उसका तो वो जो कार्ट होता है वही उठा के लेके चले गया, गलत बात है। एक्चुअली अभी हम आए एक नए एरिया, नए जगह पे, नए डेयरी खुला है पंजाब सिंध करके, तो वहाँ पे आए एक बार देखने के लिए कि कैसा यहाँ पे क्वालिटी है चीज़ों का। क्या काफ़ी सुना है इस दुकान के बारे में, एक बिजनेसमैन है स्वरंजीत बजाज जो कि मुंबई में शुरू किए हुए इस चीज़ को, काफ़ी जगह पे ब्रांच खोले हुए हैं, तो लेट्स सी कि यहाँ पे कैसा बिकता है उनका, क्या है हिसाब किताब, देखते हैं। सुने यहाँ का पनीर काफ़ी अच्छा है, कुछ स्पेशल टाइप का पनीर है तो वही हम लेने आए हैं। मैं यहाँ पे ले ली हम, बट काफ़ी अच्छा वैरायटी ऑफ पनीर था यहाँ पे और काफ़ी बढ़िया बढ़िया लस्सी तो ट्राई नहीं की अभी हम, और काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें थी। लो फैट पनीर, एक तो ऐसा पनीर था कि जो कि सब्जी में जाके घुल जाएगा, और एक पीसेस वाला पनीर था, अलग अलग था, अच्छा है। मतलब देखते हैं आज ट्राई करें कैसा रहेगा, उसके बाद बताते हैं आपको, रात तक पता चल जाएगा इनफैक्ट। भाई यहाँ तो तांडव मचा हुआ है यार, नो पार्किंग के नाम पे सारा, जहाँ देखो वहाँ पूरा नो पार्किंग सब देखा वहाँ पे। हल्का सा भी अगर नो पार्किंग है तो भाई फट से गाड़ी उठा रहे हैं और कार को भी नहीं छोड़ रहे, कार में भी ब्लॉक लगा दे रहे हैं। हम तो भाई जाने से पहले पूछ लिए पार्किंग है कि नहीं है, पता है लोगों को एक्चुअली फाइन का टेंशन नहीं होता है, इस गर्मी में वो जो मगज मारी है ना उसका टेंशन होता है लोगों को कि भाई कौन जाएगा वहाँ पे, भाई कौन जाएगा गाड़ी छुड़वाने, ये दो वो दो सुनान दो ठिकाना दो, और अतिक्रमण वाले अलग लगे हुए हैं। सही है, सब काम हो गया मेरा, सब चीज़ मिल गया मेरे को, नाउ मैं रेडी हूँ जल्दी से जाके ऑफिस शुरू करते हैं। 12:15 हो गया भाई, शाम हो गया, शाम के कितने बज गए, 7:45 हो गया शाम का, और अब मेरी बहन लोग आने वाली है ऑलमोस्ट,
और पोपट हो गया, पनीर का प्रिपरेशन कर रहे थे हम, तो प्याज पीसना था उसमें और हमारा मिक्सर ग्राइंडर ही ख़राब हो गया, धुआं हुआ निकल गया उससे भाई। पता नहीं अब क्या होगा, मिडवे हो गया, मिडवे छोड़ दिए, अब देखते हैं मेरी बहन आएगी तो कुछ दिमाग लगाएगी अपना, फिर कुछ करेंगे। तो अब तक का अपडेट ये है कि बहन लोग मेरी बस पहुंचने वाली 10-15 मिनट में, आदिश आएगा, मज़ा आएगा फिर से। और अब हम लोग बस थोड़ा सा ऐसे रेडी हो जाते हैं और देखो कॉल ही आ गया उन लोगों का, पकौड़ी इन मेकिंग, थोड़ा सा जल भी गया लगता है। तो आ गए हम लोग केक लेने के लिए, केक लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, चॉकलेट बिकलेट बढ़िया मिलेगा यहाँ पे। तो फाइनली वो समय आ गया है जब अब इसका ऐसे होगा, केक कटने का टाइम आ गया है, खाना वाना भी रेडी हो गया, बस अब रोटी बन रहा है और मम्मी भी रेडी है, बाकी सब रेडी है, आरिश कुमार भी रेडी है। केक काटने का तैयारी किया जाए? हाँ आरिश, केक काटना है? चॉकलेट ट्रफल, अब अपना फेवरेट केक काटते हैं हमेशा किसी के बर्थडे या कुछ। थोड़ा सा खाइए अच्छे से। वाह आरिश खाया खाया भाई, केक कटिंग तो हो गया है, बड़ा सिंपल सा, कोई गाना उन्होंने नहीं बजा, बट मज़ा आया, आदेश खुद आ रहा एक्साइटेड रहता है ना केक के लिए, तो आदेश ही केक काटा है, किसी का भी बर्थडे हो कुछ हो केक तो आदेश ही काटेगा, एक तो आदेश ही काटेगा। क्या हुआ तुमको हाथ में? अभी चोट लगा आदेश को? और हाथ में क्या रखे तुम अभी? ये आइश, आइश है, आइश पैक भाई। गर्मी में सबका हालत ख़राब हो गया है एकदम, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है, और आदेश को यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। तो भाई ये है आज का फाइनल मेन्यू, ये है पनीर, ये है चना दाल, ये है मंचूरियन, ये है रोटी और चावल। तो भाई अब तैयारी हो गया है टाटा बाय बोलने का, बाय बाय। फोन करना राइट। तो भाई चले गए वो लोग अब सब कोई, काफ़ी ज़्यादा थकावट भरा दिन रहा आज, बट मज़ा आया। तो अब तो दिन समाप्त हो गया, फाइनली सब कुछ चले गए हैं और अब हम लोग भी अपने रिलैक्स मूड में आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा समय रहा शाम का, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से लोग अच्छे से खाना नहीं खा पाए, हम लोग कोई भी खाना नहीं खा पाए, बहुत सारा खाना बच गया। तो कोई नहीं, कल उसको हम लोग खा के समाप्त करेंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग टिल हियर। इन केस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ जो हिट ऑन द लाइक बटन, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, पुरानी वीडियोज डू चेक आउट द ओल्ड वीडियोज एंड देन कम बैक एंड सब्सक्राइब। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, दैट इज़ मोस्टली गोइंग टू बी अबाउट काशिद बीच। सो वी आर ट्रैवलिंग टू द कोंकण एरिया इन दिस वीकेंड, छोटा सा ट्रिप है, एक दिन का ही ट्रिप है, मतलब सैटरडे जाएंगे और संडे आ जाएंगे, तो मोस्टली नेक्स्ट वीडियो उसी का रहने वाला है। सो अगेन आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।